व्यूअर्स, आपने हाइड्रोसिल से जुड़े हुए मुझे सवाल किए हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन कराते हैं तो हमें किस मंथ में इसको कराना चाहिए, कौन सा मंथ हमारे लिए सबसे बेटर मंथ है। और ये सवाल आपने इसलिए भी किया है क्योंकि कुछ धारणाएं ऐसी हैं और सुना भी जाता है कि जो गर्मी के दिन होते हैं या फिर गर्मी के जितने भी मंथ्स हैं उसमें अगर हम कोई ऑपरेशन कराते हैं तो वो थोड़ा सेफ नहीं है और हीलिंग देर से होती है। तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम ऑल ओवर चाहे हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो या फिर दूसरे ऑपरेशन हो, अगर सभी की बात करें तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो राउंड द ईयर ऑपरेशंस होते हैं। इवन चाहे वो आँखों के ऑपरेशन हो, चाहे पेट की सर्जरी हो, कोई से भी राउंड द ईयर होते हैं। वेल फैसिलिटीज़ हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये समस्याएँ जो पहले आती थी वो आज के समय में नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक कॉमन मैन की तरह एक बात करें, जहाँ फैसिलिटीज़ कम है या फिर कोई भी पेशेंट है वो अच्छी फैसिलिटी में नहीं रह पाएगा ऑपरेशन के बाद, या जो उसका घर है या फिर बहुत ह्यूमिडिटी है बहुत एरिया में जहाँ पर वो रहता है, पसीना बहुत आता है, तो ऐसी स्थिति अगर कहीं पर है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में ये ज़रूर है कि हाँ, आप इस बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि हमारे लिए कौन सा मंथ सबसे बेटर है, जिस मंथ में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली इसमें अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसको कराना चाहते हैं, तो जो अक्टूबर से लेकर हमारा जो अप्रैल तक का जो मंथ है वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट मंथ रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी। तो आप उन मंथ में इस ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। नॉट ओनली इसी के बारे में, अगर कोई भी किसी भी तरीके की माइनर या मेजर सर्जरी है और आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो नॉर्मल हैं या फिर जहां आप रहते हैं वहां बहुत ह्यूमिडिटी है, तो उस स्थिति में आप इन मंथ्स में इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कहीं अच्छी वेल फैसिलिटी में रह सकते हैं, वेल हॉस्पिटल में रह सकते हैं, तब आप राउंड द ईयर किसी भी महीने में आप इसको करा सकते हैं। और उतने दिनों में आप वहाँ पर रहकर आपकी अच्छे से केयर भी हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका जो भी हीलिंग का प्रोसेस है वो जल्दी आगे भी बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है और फिर उससे इन्फेक्शन पैदा होता है और फिर जो भी हमारी सर्जरी है, जो स्टिचेज हैं, फिर वो उसमें इन्फेक्शन होकर फिर उसके ख़राब होने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें केयर की जाए तो हम इनसे बच सकते हैं। लेकिन हाँ, मौसम का बहुत बड़ा अंतर उसमें आ सकता है, लेकिन कुछ वेल फैसिलिटीज आज के समय में ऐसी हैं कि आप किसी भी समय करा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं तो आपके लिए जो बेटर मंथ है वो अक्टूबर से लेकर आप अप्रैल तक आप इसे आराम से करवा सकते हैं। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए हम दो वीडियो और भी अवेयरनेस के तौर पर बना चुके हैं, जिसके लिंक इस आई बटन में है। वीडियो देखने के बाद आप उनको देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपकी जॉब के कंसर्न में आप हाइड्रोसील को ऑपरेट कराने की सोच रहे हैं तो ये क्या है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, थोड़ी सी हमने आपको बॉर्डर लाइन दी थी। साथ ही साथ उसके साथ एक और वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर आप इसे करा लेते हैं तो फिर आप कितने दिनों में चल फिर पाएंगे, कितने दिनों में आपकी आपका हील ये जो ऑपरेशन है वो कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, इन दोनों की जानकारी इस आई बटन में है। साथ ही साथ अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप अपडेट रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू।